आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मऊ जनपद के घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की रिकॉर्ड मतों से जीत को लेकर जिला पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि यह जीत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री की नीतियों और नेतृत्व की जीत है। मोदी व मुख्यमंत्री जी की जन विरोधी नीतियों व कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा व ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर जनता भाजपा को नकार रही है। जनता ने भाजपा की फूट धर्म व जाति के नाम पर की जा रही घिनौनी राजनीति व झूठे वादों से टूट चुकी है। ऐसी सरकार बदलना चाह रही है। सन 2024 में मोदी सरकार को हटाकर इंडिया मोर्चा की प्रबल बहुमत की सरकार बनेगी। जनपद आजमगढ़, उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत व निष्ठा से प्रचार करने के लिए वो धन्यवाद दिया तथा मोर्चे के अन्य शामिल दल के नेताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर शिव नारायण सिंह बाबा, अशोक यादव, वीरेंद्र यादव, संतोष कुमार गौतम, विवेक सिंह, राजेश गेलवारा, सेरा सगड़ी, संतोष यादव आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन 2024 में निश्चित तौर पर जो हालात हैं, ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी अपने को उत्तर प्रदेश और गुजरात में मजबूत मानती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में घोसी एक उपचुनाव में इतने भारी मतों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि जनता एक तरफ से समाजवादी पार्टी का साथ दी है और समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जनता खुद जागरूक हो चुकी है। अब जनता के सामने दो सवाल हैं। देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी जो संविधान के बारे में और इंडिया भारत के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघ के लिए हुए निर्णय को लागू कर रही है, ऐसे में संविधान की मुख्य धाराओं को वो बदलना चाहते हैं और वह नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में आगे लोकतंत्र के माध्यम से संसदीय प्रणाली बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव हो और उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसको ख़त्म किया जाए और संविधान में जो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है, उनके सुरक्षा का, उनको रोज़गार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उसको ख़त्म करके यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। हिंदू राष्ट्र के बहाने इस देश में अमेरिका परस्त नीतियों को लागू कर इस देश को अमेरिका के हाथ में देना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में आज जनता का ये फैसला है। इसको ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का केवल के लिए फैसला है, ये पूरी जनता का फैसला है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में इस प्रदेश की जनता नहीं, पूरे देश में जिस तरह का ये परिणाम आ रहा है, करीब 7 उपचुनाव हुए, 7 उपचुनावों में करीब 4 ये इंडिया मोर्चा और 3 बीजेपी को सफलता मिली, ये अपने आप में प्रमाण है कि इंडिया मोर्चा आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। अभी आप देखेंगे कि ये जितने जिला पंचायतों के उपचुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी को भारी सफलता मिली। अभी लखनऊ का ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था,
आजमगढ़ में भगतपुर का यह जिला पंचायत का चुनाव था, चाहे अन्य जगहों पर जो जिला पंचायत के भी चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग जीते। इससे निश्चित तौर पर यह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी को आज जनता स्वीकार कर रही है। उन अखिलेश यादव द्वारा किए गए विकास कार्यों, जनता के बेरोजगारी के सवाल को, चाहे किसानों की समस्या को सवाल को लेकर के जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया, उससे जनता आज समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों को नकार रही है। कोई बहाना नहीं है, यह जनता का फैसला है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। जनता आज जो दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो कानून व्यवस्था के नाम पर मुख्यमंत्री योगी जी जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अभी हाल के दिनों में एक बयान आया था, अगर मीडिया में भी अगर कोई सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहा है, भ्रामक प्रचार से मतलब यह नहीं कि भ्रामक प्रचार, कि मीडिया पर भी कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये क्या दर्शाता है? यह तानाशाहों की सरकार हो गई है और इस सरकार से हर वर्ग के लोग उब चुके हैं। इस नाते यह बात कहना कि कुछ ऐसे कारण जिसके वजह से, कारण तो बहुत होते हैं हार जीत के, लेकिन मुख्य कारण यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, जन विरोधी नीतियों से उब चुकी है और उनको हटाना चाहती है। जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, हम लोगों के बगल में मऊ ज़िले में घोसी का उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को रिकॉर्ड वोट मिले और वह करीब 64,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के दमन, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जन विरोधी कार्यों से ऊब चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है और आज इस परिस्थिति में घोसी की जनता ने जो समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में जो 2024 का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सफाया होना तय है। और घोसी में सभी वर्ग, सभी धर्म जात के लोगों ने वोट किया, इससे स्पष्ट है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के धर्म और जात की राजनीति को नकार दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो यह सपने दिखाते हैं या झूठ बोलते हैं वह समझ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जनता में, जनता को विश्वास नहीं रह गया है और आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की जनता खड़ी है और आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की योगी जी की सरकार हो, हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। चाहे आज बढ़ती महंगाई से आज हर आदमी परेशान है, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, सारे लोग परेशान हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि आज गाँव में लड़के बेरोजगारी के कारण गलत रास्ते पर जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे उनके राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे जिले स्तर पर हो, आज यहाँ तक कि थाने और तहसीलों पर भी घोर भ्रष्टाचार है। ऐसी परिस्थिति में आज जनता इनसे उबी हुई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आए दिनों सड़कों पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, घरों में घुस करके अपराधी हत्या कर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।